हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि ओप्पो फाइंड N3 फ्लिप फ़ोन में आप लोग पैटर्न लॉक को कैसे लगा सकते हो। अगर आपके पास एक ओप्पो फाइंड N3 फ्लिप फ़ोन है और इस फ़ोन में जो है आप लोगों को पैटर्न लॉक को लगाना है गाइस, क्योंकि आपके फ़ोन में जो कोई भी लॉक लगा नहीं है, या आपके फ़ोन में पहले से अगर कुछ अलग लॉक लगा हुआ है जैसे कि पिन या पासवर्ड, तो उसको भी आप लोग चेंज करके अपने फ़ोन में पैटर्न लॉक को लगा सकते हो। तो कैसे आप लोग अपने फ़ोन में पैटर्न लॉक लगाओगे गाइस, तो आज के वीडियो में मैं यही बताऊंगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पैटर्न लॉक को लगाने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर से आप लोगों को नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। नीचे आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का। तो इस पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होगा गाइस लॉक स्क्रीन पासवर्ड का। तो इस लॉक स्क्रीन पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर एक पैटर्न का ऑप्शन आ जाएगा, तो इस पैटर्न के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा गाइस, कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही जो भी पैटर्न आप लोग लगाना चाहते हैं उस पैटर्न को यहाँ पर डाल दीजिए। डालने के बाद वापस से और एक बार उसी पैटर्न को आप लोगों को डालना है। डालते ही आपका जो पैटर्न लॉक है गाइस वो आपके फ़ोन में सेट हो जाएगा। ठीक है गाइस, सिर्फ आप लोगों को दो बार पैटर्न लॉक को लगाना है, सेम पैटर्न लॉक को, और आपके फ़ोन में जो है पैटर्न लॉक यहाँ पर सेट। अभी आप लोग चेक करके देख सकते हो गाइस आपके फ़ोन में पैटर्न लॉक जो है वो लग गया होगा। तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने ओप्पो फाइंड N3 फ्लिप फ़ोन में पैटर्न लॉक को लगा सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।